Good morning class. This is our pharmacology class in which today we will discuss about the second topic of GIT disease drugs or drugs used in the treatment of GI diseases, which is antidiarrheal agents. Today we will discuss about the antidiarrheal agents. First of all, we have to know about the diarrhea. Diarrhea is a frequent passage of liquid feces resulting from an imbalance between secretion and reabsorption of fluid and electrolyte. क्या हो रहा है इसके अंदर कि लिक्विड फीसेस पास हो रहा होता है, फ्रीक्वेंसी से पास हो रहा होता है, क्योंकि फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट के सिक्रीशन और रीअब्सॉर्प्शन में इम्बैलेंस आ जाने की वजह से ऐसा होता है. या आप कहें डायरिया डिनोट्स पैसेज ऑफ अनयूजअली लूज और वाटरी स्टूल्स एटलीस्ट 3 times और मोर इन अ 24 hours पीरियड. 24 घंटे में 2 या 3 से ज़्यादा बार अगर वाटरी लूज स्टूल पास हो रहा है तो उसको अपन डायरिया कहते हैं. इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक्यूट डायरिया आर कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स. तो कॉजेज में सबसे पहले इन्फेक्टिव, किसी को गट मोटिलिटी का डिसऑर्डर हो गया हो, IBS माल एब्जॉर्प्शन हो गया हो बीमारी की वजह से, सीक्रेटरी ट्यूमर हो गया हो GIT का, जैसे कैर्सिनॉइड ट्यूमर या वीपोमा, तब भी ऐसा हो जाता है. तो मोस्टली केसेस इन्फेक्शियस एजेंट है एक्यूट डायरिया के अंदर. इररेस्पेक्टिव ऑफ द इटियोलॉजी इम्फेसिस गिवन टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द मॉर्टेलिटीज. तो हमारे को मेन ध्यान किस पे रखना है, डिहाइड्रेशन पर. डायरिया को हम क्रॉनिक तब कहते हैं जब ये परसिस्ट कर जाता है 2 हफ्ते से भी ज़्यादा, तो क्रॉनिक डायरिया कहलाता है. तो हमारे को उसके कॉज का पता लगाना होता है, वरना हमें कॉज का पता लगाने की जरूरत नहीं, हमें डिहाइड्रेशन को दूर करना ज़्यादा जरूरी होता है. ट्रीटमेंट और अप्रोचेस क्या होते हैं डायरिया के अंदर, तो देखो मैनेजमेंट जो है इसका, डायरिया को, डायरिया कैन बी मैनेज्ड यूजिंग बाय 2 types ऑफ थेरेपीज, नॉन स्पेसिफिक थेरेपी एंड स्पेसिफिक थेरेपी. नॉन स्पेसिफिक थेरेपी इंक्लूड द ओरल एंड पेरेंट्रल रिहाइड्रेशन एंड एंटी मोटिलिटी एंड एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स लाइक ओपियोइड्स, कोडेन, लोप्रामाइड, डायफिनॉक्साइलेट. While the specific therapy include the antimicrobial agents like ciprofloxacin, doxycycline, metronidazole, etc. तो अगर किसी को माइल्ड से मॉडरेट डायरिया हुआ है तब तो सिर्फ फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को आप मेंटेन कर लीजिए, डायरिया ठीक हो जाएगा. और अगर सीवियर एक्यूट डायरिया हुआ है तो फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तो मेंटेन करना ही है. इसके अलावा अपन एंटी मोटिलिटी एंटी स्पास्मोटिक ड्रग दे सकते हैं, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स हम उन्हें दे सकते हैं. अब फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट ट्रीटमेंट जो हम बोल रहे हैं नॉन स्पेसिफिक थेरेपीज के अंदर, अपन ORS देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. एक्यूट डायरिया में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जिसके अंदर ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए. ORS के अंदर सोडियम क्लोरीन ग्लूकोज या सोडियम क्लोराइड ग्लूकोज पोटेशियम साइट्रेट, ये सब चीज़ें मिली हुई होती हैं इस अमाउंट के अंदर. इसका फ़ायदा क्या होता है, ये काफ़ी सिंपल और इफ़ेक्टिव है, चीप भी है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, रेडिली अपन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ऐसी थेरेपी है. फेटल कंडीशन, पोटेंशियली फेटल कंडीशन, आप तुरंत उसको एडमिनिस्टर कर सकते हो. इसका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है जिससे कि सोडियम और वाटर का रिटेंशन ज़्यादा हो सके. अब ORS के अलावा एंटी डायरियल एजेंट्स अपन देख लेते हैं. इसमें एंटी मोटिलिटी ड्रग लाइक ओपियोइड एगोनिस्ट होती हैं, एंटी स्पास्मोटिक ड्रग में MR एंटागोनिस्ट होती हैं जो कि डायरेक्टली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट हैं. एंटी इन्फेक्टिव एजेंट के अंदर एराइथ्रोमाइसिन, सेप्रोफ्लॉक्सेसिन आती हैं. एडजॉर्बेंट में केओलिन, पैक्टिन, चारकोल, मिथाइल सेल्यूलोज वगैरह आती हैं. ऑक्टिरोटाइड्स के अंदर लास्ट हैं, ऑक्टिरोटाइड्स इसमें आती हैं. एंटी मोटिलिटी ड्रग्स में ओपियोइड एगोनिस्ट में लोप्रामाइड अपन दे सकते हैं, डायफिनॉक्साइलेट दे सकते हैं, कोडीन दे सकते हैं. GIT मोटिलिटी के अंदर इनका क्या रोल होता है, ये इंटेस्टाइन की टोन और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देता है, पर प्रोपल्सिव एक्टिविटी को कम कर देता है, लार्ज इंटेस्टाइन में टोन को कम कर देता है और इंटेस्टाइन के सिक्रीशन को कम कर देता है.
ऑल स्फिंक्टर्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, इसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, सारे स्फिंक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ही तो करना है क्योंकि एंटी डायरिया, डायरिया तो स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाते हैं इससे डायरिया कॉज होता है, आपको स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर देना है जिससे डायरिया बंद हो जाएगा। तो एंटी डायरियल एजेंट ऐसे होते हैं। अब ऑपियोइड एगोनिस्ट के क्या फ़ायदे हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता इसलिए ये अपना एक्शन केवल जीआईटी पे दिखाता है। इसके नुकसान क्या हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एब्डोमिनल क्रैम्प, पेट में मरोड़ आना स्टार्ट हो जाते हैं, ड्रॉजीनेस हो जाता है, डिजीनेस हो जाता है। लार्ज डोज आप डाइफिनॉक्साइलेट की देते हैं तो टिपिकल ओपियोइड इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है, इसलिए स्मॉल डोज अपन एट्रोपिन की यूज़ कर सकते हैं इसके कॉम्बिनेशन में ताकि ओवरडोज से नुकसान ना हो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, बच्चों में एक्यूट डायरिया होता है तो ये ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर देता है, आईबीएस टॉक्सिक डायलिटेशन कर देता है ये कोलन के अंदर। नेक्स्ट ड्रग है एंटी स्पास्मोडिक एजेंट्स, इसमें एमआर एंटागोनिस्ट आते हैं, मसल रिलैक्सेंट एंटागोनिस्ट जिसमें एट्रोपिन, हायोसाइन, प्रोपेंथैलिन और डाइसाइक्लोवेरिन दे सकते हैं। इसका जीआईटी में क्या रोल है, ये एंटेरिक नर्व प्लेक्सस में और स्मूथ मसल्स में एमआर को इनहिबिट करता है जिससे कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है और इंटेस्टाइन का स्पाज़म कम हो जाता है। डायरेक्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट में मेबेवेरिन दे सकते हैं जो कि रिजरपाइन का डेरिवेटिव है। इसका जीआईटी में रोल होता है कि डायरेक्ट रिलैक्सेशन एक्शन दिखाता है इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल पर। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स अपन दे सकते हैं डायरिया के लिए, मोस्टली वायरल ओरिजिन के ही होते हैं एंटी इन्फेक्टिव, नो एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड क्योंकि वायरल ओरिजिन से अगर हो रही है तो एंटीबायोटिक की जरूरत है ही नहीं, केवल फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट की रिप्लेसमेंट से ये ठीक हो जाएगा। और अगर डायरिया बैक्टीरियल ओरिजिन है तो कैंपाइलोबैक्टर स्पीसीज जनरली ये कॉज करवाती है तो अपन एराइथ्रोमाइसिन या सिप्रोफ्लॉक्सिसिन दे सकते हैं। ट्रैवलर्स डायरिया हुआ है अगर किसी को तो ई कोलाई की वजह से कॉमनली ये देखने को मिलता है। ई कोलाई एक्चुअली ट्रैवलर सिंड्रोम कॉज करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें भी कोई एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है, केवल फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी आप दे दीजिए। नेक्स्ट है ऑक्टिरोटाइड्स, ये सिंथेटिक एनालॉग है सोमैटोस्टैटिन का। इसका जीआईटी में रोल होता है कि इंटेस्टाइनल फ्लूड के सीक्रीशन को बढ़ा देता है, जीआईटी की मोटिलिटी को स्लो कर देता है अगर हाई डोज में दिया जाता है। वैगोटॉमी के बाद अपन जनरली इसका यूज़ कर रहे होते हैं, एड्स में इसका यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, स्टीटोरिया कॉज होता है, स्टीटोरिया क्या होता है, फैट इन स्टूल, स्टीटोरिया फैट इन स्टूल लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिंस। तो भाई स्टीटोरिया होएगा तो ऐसे पर्सन की बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिंस की कमी आ जाएगी, जीआईटी की मोटिलिटी ऑल्टर्ड हो जाती है, नोजिया, एब्डोमिनल पेन और फ्लैट्यूलेंस कॉज हो रहा है इस वजह से, आफरा आ जाना, फ्लैट्यूलेंस आफरा आ जाना, पेट फूल जाता है। ठीक है, तो इसके साथ बस ये इतना सा ही आपका एंटी डायरियल टॉपिक था। इस एंटी डायरियल टॉपिक के अंदर देखो अपन एंटी डायरियल में कुछ और भी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, कुछ और भी ड्रग्स जैसे कि कोडीन, लोपरामाइड, पर वो लगभग, या डाइफिनॉक्साइलेट, रेसिकाड्रिल, पर ये जो अपन ने पढ़ी है इन्हीं के जैसी ये ड्रग्स है, कुछ खास अलग नहीं है। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है क्लास, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।